ओम शांति। 22/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है, इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो पावन बनते हो। प्रश्न है मुरली का, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर में बाबा ने कहा, कई बच्चों में रूठने की आदत है, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। अब कई कई बच्चे बाबा के जो होते हैं, जैसे बाबा से जैसे ही जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देते हैं, और जब मांगते हैं और समय पर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, मांग पूरी नहीं होती है तो बाबा की पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। कुछ माया आई और बस बाबा को छोड़ दिया। कुछ भी समस्या जो भी आपके जीवन में उलझने हैं उसका आपने कहा कि हल मिल जाए और बाबा से आपने कहा हल 1-2-4 दिन में नहीं निकला तो पढ़ाई छोड़ दी। सेंटेंस में बहनों ने कुछ कहा, आपको आगे नहीं रखा तो परमात्मा की पढ़ाई छूट दी। बाबा कहते हैं इस तरह से जो रूठने की आदत है ना, कि बाबा ने कहा तो मुरली सुन लेते, नहीं तो जैसे कि किसी दिन पूजा पाठ नहीं करी तो बोले आप तो आज तो पक्का कुछ गलत होगा, ऐसे ही परमात्मा के लिए समझ लेते हैं। जो भक्ति में है वही ज्ञान में भी सोचते समझते रहते हैं, अपना मत और परमत लगाते रहते हैं और बस श्री मत को समझते नहीं है तो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे एक परम पिता परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, जो बेहद का बाप, बेहद का देने वाला, जो सुख देता है, सुख का सागर है, दुख को हरने वाला है, हरी है, वो भला अपने बच्चों को दुख कैसे देगा? कैसे कोई पनिशमेंट करेगा? कैसे कोई बात में वो रूठ जाएंगे? परमात्मा रूठते नहीं है। हमें आपको जो भी मिलता है, जो उलझन है, जो समस्याएं हैं, वो हमारे ही किए विकर्मों की सजा है, जो हमारे द्वारा किए जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं, पाप हैं, वही हमें समस्या बनकर, बीमारी बनकर, किसी न किसी तरह की उलझनों में हमें फंसा करके रखते हैं। बाबा ने कहा या तो योग से अपने पापों को काटो या खत्म करो या फिर भोग कर, लेकिन आपको खत्म जरूर करने होंगे, तो क्यों ना याद सहज है योग से कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों में रूठने की आदत है, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। कई कई बच्चे बाबा की मुरली यूं ही सुन लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नहीं सुनी तो कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसे। तो बाबा की जब मुरली ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपके समस्याओं का हल भी नहीं मिलता, क्योंकि बाबा ने कई दफा कहा है कि मुरली आपके आत्मा का भोजन है। जिस तरह से आप अपने शरीर को रोज तीन टाइम का भोजन कराते हैं, यदि नहीं कराते तो आपका शरीर कैसा हो जाता है? बीमार पड़ जाता है ना, कमजोर महसूस करता है, कमजोरी आ जाती। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम शरीर को चाहिए भोजन, वैसे ही आत्मा का भोजन जो मुरली है, तो ये मुरली ज्ञान आपको तीन बार करना है ना। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि मुरली मिस नहीं करना है। बाबा ने ये भी अथॉरिटी दी है कि जो भी सेंटर में जाते हैं भाई बहन मुरली सुनने, उनको भी मुरली सुनाने का मौका देना चाहिए, तभी तो फिर वो बख्तावर बनेंगे, है ना, नहीं तो कैसे। अच्छा गीत है महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं, नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागृति ज्योत बन रहे हो, क्षमा आई है। हाँ अभी बुझी हुई ज्योत है ना, तो परम पिता परमात्मा जो क्षमा है वो हम बुझती हुई ज्योत को सोजरे की तरफ उसे क्या करने आए हैं, जगाने आए हैं, तो अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो, क्षमा आई है। यह महफिल तो बहुत बड़ी है,
कोई तो आकर बाप को बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया, है ना। जैसे ही आप देही बने, देह का अभिमान छोड़ा, देह को बुद्धि से भूले, तो बस बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई है, है ना। तो अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो जीते जी, आत्मा समझो और इस शरीर से देह भान से अपना नाता तोड़ो। हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया है, है ना। तुमको राजयोग सिखलाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है, है ना। साकार में आए हैं ना, तो महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। ब्रह्मा तन में आए हैं ना बाबा, तो ब्रह्मा तन में आकर के हम बच्चों को बाबा ज्ञान देते हैं। और बाबा क्यों तन लेते हैं? क्योंकि बाबा यदि तन ना ले तो हम जीवात्माएं बिना मुख के कैसे सुना, मतलब बाबा बिना मुख के नहीं सुना सकता, जैसे हम बिना कान के सुन नहीं सकते। अब ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा हमें देखो, उनके जो नूरे रत्न बाबा बच्चे कहते हैं ना, तो ब्रह्मा के जो आंख में छोटा सा डॉट है ना, वो साकार में यहाँ परमपिता परमात्मा प्रकृति के बगल में आकर के बैठते हैं, और ब्रह्मा के वो आंख के डॉट के द्वारा नूर रत्न बच्चे कहते हैं, उनसे वो साकार में परमात्मा हम बच्चों पर दृष्टि डालते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैंने भी ये धारण किया है, हाँ, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। यह बातें मनुष्य ही समझेंगे, भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी है, शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वो आते हैं जरूर, मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर है। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं, हाँ। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती और सुखी होते हैं, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, जहाँ पतित पावन आकर पावन बनाने का कार्य परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेके करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ थोड़ी ना दरकार है, पावन दुनिया में मैं जाकर किसको पावन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ बड़ी महफिल में आता हूँ जहाँ सभी तमो प्रधान है, अपवित्र है, पतित हैं, है ना। तो बाबा के तो बाबा को आना ही होता है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित पावन। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला, कहा जाता है चैरिटी बिगन सिट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है, मनुष्य भूल गए हैं श्री बाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में, हाँ, उनकी महिमा कितनी भारी है, शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। यह तो पतितों पतियों का पति है, है ना, देवों का देव महादेव, बापों का बाप कहते हैं ना, तो इस तरह यह तो पतितों पतियों का पति है, बाबा है ना। ऐसा बाबा कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी श्री बाबा की कितनी महिमा करते हैं, तेरी महिमा अपरंपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं,
भारत को कितना ऊंच बनाते हैं रावण फिर नीच बना देते हैं, बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजख से वहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं, पतित तो सारी दुनिया है। भल अशोका होटल के अशोका होटल के सुख आदि है, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य। बाबा कहते हैं पाए का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है। कितने रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते। भारत देवी संप्रदाय था, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला। नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते। याद करते भी हैं तो बिगर समझ। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो है ना, फिर यह कौन से माता पिता है। पिता कैसे सृष्टि को रचते, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं। सो तो तुम ही जानो और ना जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबर बार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मातन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पहले श्री कृष्ण और राधे का जन्म होगा, फिर वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते ब्रह्मा सरस्वती है ना, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। यह दैलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए, अभी हम भेंट करते हैं, हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है। तो यह शिवाय नमः गीता तो जरूर रखना चाहिए, दो चार गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, उनको यह नहीं आता है कि यह अच्छा है या बुरा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको साल्वेंट बनाता हूँ। इन साल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर वन उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे, फिर वह कहाँ गए। बाबा कहते हैं माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाएं है ना। गाया जाता है भारत देवी राजस्थान था। जब देवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे, तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं ना? तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन ले, शरीर का तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बतलाता हूँ
ब्रह्मा बाप अपने जन्मों को नहीं जानते ना, तो शिव बाबा आके इनको इनका ही बताते हैं, तो इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब इस लेख राज के तन में आते हैं, जब इसमें परमात्मा विराजते हैं, तब इनका नाम पार ब्रह्म ब्रह्मा पड़ता है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा मैं ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्धि इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे, वो तो फिर बिछाड़ी में आके धर्म स्थापक गुरु है ना। तो जो पहला वही अंतिम, अंतिम सो पहला उनमें आते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, इसे ही फिर आप सुंदर कांड कहें है? तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है, पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं, भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, ये हमको लिबरेट करो, जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं, फिर वहाँ देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं, जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, बैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणों मैं से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न पढ़ाई है, बाबा ने बड़ा सहज कर समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है, सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेज कर क्या करेंगे, मुरली पड़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे, जबकि बाबा कहते हैं व्यर्थ ना सुनो ना कहो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन मुरली को एक कान से सुन, यहाँ कान बंद करके यहाँ ही ठहराना है और फिर धारण करनी है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है दूसरे कान से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे, पाप को याद ही नहीं करते, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते, यो बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए, मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी, मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं, मुरली को कभी छोड़ना नहीं है। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना, डायरेक्ट मुरली तो भेजे लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ, हाँ बनाकर दिखाओ। बाप को याद करते हो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो, समाचार दो तो पता पड़े। बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो, समाचार तो ना दो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का, मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती हैं,
तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सबका फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे? या तो फर्स्ट क्लास दान करना है जिससे किस जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होगा। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैट सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह संयम आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे। हाँ, वह समय भी बाबा कह रहे हैं आएगा जब बच्चों को मकान बहुत मिलेंगे। हाँ, चरणों में फिर भी तुम्हारा, बाबा का कह रहे हैं कि मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। हाँ, बाबा फिर भी कह रहे हैं कि चरणों से झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो यह पक्का है ना, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दिए लग की ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा शरीर में होते सबसे ताल्लुक नाता तोड़ अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है, बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरा पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है, धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है, और ऐसे नहीं कि अटेंशन रखते रखते टेंशन में आ जाओ। हाँ, बाबा को याद करते करते टेंशन में नहीं आना है, अटेंशन में रहना है। तो अब टेंशन का भी टेंशन अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। हाँ, जो बाबा ने कहा तुम्हारे साथ स्वरूप है उसमें टिको तो अपने आप ही आपको उसकी याद आएगी। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर आपको यदि शुगर की बीमारी है तो जो भी शुगर से रिलेट जो भी खाने की चीजें हैं उनसे परहेज करने कहते, ऐसे ही परमात्मा के जो ज्ञान है उसमें आपको पुराने संस्कार और पांच विकारों से परहेज करना है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अशरीरीपन की एक्सरसाइज व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज है, तभी आप समर्थि में आएंगे। तो आज बाबा ने एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो दी है बच्चों को कि क्या करना है, दूसरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी है। क्या करना है, अपनी टेप्स बनाओ। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए तो टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, तो इस तरह से सुनाइए और मुरली पढ़ करके, जैसे बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बन सेवा का मौका दिया है, टेप करके आप तक मुरली पहुंचती है, तो फिर भी आप भी इस तरह से सर्विस कर सकते हैं। आज स्वयं ईश्वर ने आपको मुरली में उत्तर दिया है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।